न्यूजीलैंड में वो सब हो रहा है जो दुनिया के हर देश में होना चाहिए। हर देश अगर न्यूजीलैंड की तरह सही समय पर सही फैसले लेने लगे तो दुनिया में मौजूद कई समस्याओं पर समय रहते जीत हासिल की जा सकती है। जी हाँ, ऐसे ही एक फैसले के रूप में न्यूजीलैंड की संसद ने क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है। अक्टूबर में दोबारा सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने खुद इस बिल की घोषणा की है। अक्टूबर में दोबारा सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने खुद इस बिल के पास होने का ऐलान किया। इस बिल के पास होने के मायने ये हैं कि देश के सभी सरकारी विभागों और इंस्टीट्यूशंस को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा, यानी यहाँ कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। दुनिया में करीब 30 देशों ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान किया है। इनमें ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड इस कड़ी में सबसे नया सदस्य देश है। पीएम जेसिंडा के मुताबिक ये बिल ग्लोबल वार्मिंग के एवरेज लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लक्ष्य में मदद करेगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इसके तहत लाया जाएगा। इन्हें 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। बिल का विरोध। लेकिन सबसे रोचक बात ये रही कि संसद में जब इस बिल पर बहस हो रही थी तो इसका विरोध भी हुआ। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो इस बिल का विरोध क्यों? विरोधी दल नेशनल पार्टी ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। उनका कहना था कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, क्योंकि इसके लिए ना तो फंड अलॉट किया गया है और ना पहले से कोई तैयारियां रखी गई हैं। क्या वाकई सरकार के पास फंड नहीं है या फिर इसकी कोई तैयारी नहीं है? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर न्यूजीलैंड सरकार इस वादे को पूरी तरह लागू करती है तो इस पर करीब $2 करोड़ का खर्च होगा। इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड व्हीकल्स खरीदने होंगे। इसके अलावा तमाम सरकारी दफ्तरों और दूसरी बिल्डिंगों को ग्रीन एनर्जी से लैस करना होगा। पॉलिसीज बनाने से ज़्यादा इन्हें लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। ये कोई चुनावी वादा तो नहीं। आर्डर्न ने अक्टूबर में सत्ता में वापसी की है और क्लाइमेट इमरजेंसी बिल उनके चुनावी एजेंडे में शामिल था। एक चुनावी रैली में उन्होंने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा था कि ये हमारी पीढ़ी के लिए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड जैसा कॉन्सेप्ट है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने जीरो कार्बन बिल पेश किया था। इसमें वादा किया गया था कि देश 2050 तक कार्बन मुक्त हो जाएगा। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन पर रोक लगाई जाएगी। ये चुनावी वादा था जिसे जेसिंडा ने संसद में तो पूरा किया है, लेकिन जैसी उम्मीद है वे न्यूजीलैंड को पॉल्यूशन फ्री भी बनाकर दिखाएंगी। चाहे जो भी हो, विरोधी कितना भी विरोध करें, न्यूजीलैंड सरकार का ये फैसला अगर सही से अमल किया जाता है तो ये बेहतर जलवायु में मदद करेगा।